छह साल से काम ना मिलने पर डिप्रेशन में है उदय चोपड़ा। ट्विटर पर लिखी सुसाइड की बात। 2013 में अभिनेता उदय चोपड़ा की आखिरी फिल्म आई थी, जिसके बाद से अब तक वे सिर्फ काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें उनका वजन काफी बढ़ा नजर आ रहा था। वहीं अब उदय को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। हाल ही में उदय चोपड़ा ने ट्विटर पर पोस्ट कर कुछ ऐसा बातें कह दी हैं कि उनके फॉलोअर्स हक्का बक्का रह गए। उन्होंने ट्विटर पर रात को लिखा, मैं यह कबूल करता हूं कि मैं ठीक नहीं हूं। अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन असफल रहा हूं। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। ऐसा लगा मैं मरने वाला हूं। यह अभूतपूर्व था। मुझे लगता है कि आत्महत्या करना एक अच्छा विकल्प है। मैं जल्द ही इसे स्थायी रूप से कर सकता हूं। ये ट्वीट देखने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। हालांकि कुछ ही देर में उदय ने ये दोनों ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। उनके इस ट्वीट के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वे डिप्रेशन में हैं। इससे पहले अगस्त 2018 में उन्होंने मानसिक बीमारी के बारे में एक ट्वीट किया था कि अगर आप या आपका कोई चाहने वाला मानसिक बीमारी का शिकार है तो कृपया उसकी मदद करिए। उदय चोपड़ा आखिरी बार साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म धूम टीम में नजर आए थे। इसके बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है। वहीं वे अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सितंबर 2018 में उदय चोपड़ा ने ट्विटर पर गांजा लीगल बनाने की मांग की थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें ट्विटर पर लताड़ लगाई थी।